गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने दो लेक्चर्स इस चैप्टर में कर रखा है, जो कि चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा। उन दोनों लेक्चर को देखने के बाद ये समझ में आता है कि सर जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वो लर्न नहीं हो रहा है। जो भी आपने केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स दिए हैं, चेंज इन कलर में, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में, चेंज इन टेम्परेचर में, एनर्जी में, तो वो सारे एग्जाम्पल्स लर्न ही नहीं हो रहा है, क्या उसे रटना पड़ेगा? काफी कमेंट्स आए मेरे पास, काफी बच्चों ने व्हाट्सएप में भी पूछा सर याद ही नहीं हो रहा है, क्या तरीका है, कैसे याद होंगे? तो देखो, जब तक पूरे चैप्टर की स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक जो है चीजें ऐसा ही फील होगा कि टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्लास टेंथ तक आपको चीजें इतनी आसान है, इतने कम सिलेबस है कि आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से करोगे, तो अच्छा से आराम से जो 80% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, और थोड़ा और मेहनत कर दोगे तो 90%+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं उन्हीं चीजों को समझने के लिए। तो उन चीजों को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग अलग अलग टाइप्स देखेंगे केमिकल रिएक्शन में। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था और उसके एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। अभी तक अगर आपने नहीं लर्न हुआ है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे केमिकल रिएक्शन के। कुछ एग्जांपल्स अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखना। देखो कैसे चीजों को हम लोग लर्न करने का तरीका सीखेंगे इस पूरे वीडियोज में, ठीक है। अंत तक बने रहना, क्योंकि जब तक पूरा बिगनिंग से लास्ट तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आएंगी चीजें कि कैसे जो है एक्सप्लेन किया गया है, कैसे चीजों को समझाया गया है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्लियर करने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों ये है हमारे टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आज हमने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कि हम आज कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन मैं फिर से बोला, जितने भी कंप्लीट होंगे, आपको जो एग्जांपल्स दिए गए थे वो एग्जांपल्स भी कैसे लर्न होंगे इन टाइप्स को समझने से, क्योंकि बिना टाइप्स को समझे आप एग्जांपल्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्लरिफाई नहीं कर सकते, ना क्लासिफिकेशन कर पाएंगे अच्छे से, ना ही उसे क्लरिफाई कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक करके हम लोग सारे टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं इन पांचों का, आप ध्यान से सुनोगे समझोगे। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, जब तक आप अपना डाउट नहीं बताओगे हम आपको क्लरिफाई नहीं कर सकेंगे, सबसे बेसिक सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाम ही जैसा सजेस्ट कर रहा है, रिएक्शन कैसे होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। मतलब हमने देखा था स्ट्रक्चर कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट कंबाइन करते थे, तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा उससे इसमें कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन रिएक्शन कैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दिया, देख लो उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मैक्सिमम उसमें आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही मिलेगा कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले केस में, प्रोडक्ट हमें जो भी मिले उसका प्रॉपर्टी तो बेसिकली अलग होगा ही रिएक्टेंट से, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब क्या हो रहा है, इसमें डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना होता है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड होंगे, ठीक है, उन कंपाउंड में डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा, वो उस पार्ट में टूटेगा जिस पार्ट से वो बना हुआ है, तो डिकम्पोज होकर के एक दो या दो से ज्यादा जो प्रोडक्ट फॉर्म करे वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स में चले जाएंगे। ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिला है, हाइड्रोलाइसिस वाला एग्जांपल याद कीजिए, वाटर का, वाटर को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो वो ब्रेक डाउन होकर के H2 गैस और ऑक्सीजन गैस पे रिलीज हो जाता है हमारा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ बेसिक से एग्जांपल्स आपको दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करना, ठीक है, एक चीज को दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह करना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहां मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन के बेस्ड अपॉन हमारा चला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में अभी ओवरव्यू में सिंपली ये बात आप लोग समझो बच्चों, एकदम हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी एक बात समझिए कि जो भी हाईली रिएक्टिव होगा, अब सर ये हाईली रिएक्टिव क्या है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे हाईली रिएक्टिव क्या है। अभी ऐसा समझो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो जो कमजोर है उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसके प्लेस में आ जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है,
और ए जो है वो एक मेटल है, क्या है, ए मेटल है, तो मेटल कंपाउंड हो गया, मतलब मेटल ऑक्साइड या कुछ भी मेटल कंपाउंड। और दूसरा हमारे पास एक सी एलिमेंट है, वो भी हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है। अब अगर सी मेटल ए मेटल से ज्यादा पावरफुल हुआ तो क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए को अगर डिस्प्लेस करेगा तो ये बना देगा सी बी, और ये हमारा ए जो है साइड हो जाएगा, क्योंकि ये कमजोर था, है ना, बेसिक सी बात है, जो हमारा पावरफुल है उसे डिस्प्लेस कर दिया, मतलब जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। सर एक क्वेश्चन आ रहा माइंड में, आप जब इस बात को बोल रहे तो एक क्वेश्चन आ रहा माइंड में, आप बच्चों को आना चाहिए, आ रहा होगा, सोचो कि सर जब सी ज्यादा पावरफुल था ए से, पता है कि सी जब ग्रेटर था ए से, सी जब ग्रेटर था ए से मतलब सी ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है, तो उसने ए को डिस्प्लेस करके ये हमारा नया कंपाउंड बना दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन क्या ये हो सकता है कि सर जब ए ज्यादा पावरफुल हो सी से, ए ज्यादा रिएक्टिव हो सी से, ठीक है, इसी रिएक्शन में जब ए मेटल जो है हमारा मेटल ऑक्साइड जो भी हमारा बना हुआ मेटल कंपाउंड ये ज्यादा रिएक्टिव हो, तो उस केस में हमारा कैसा कंपाउंड बनेगा, तो उस केस में कैसा कंपाउंड बनेगा, देखो ये ऑलरेडी पावरफुल है, इससे ये ऑलरेडी डिस्प्लेस हुआ हो चुका है, ठीक है, तो उस केस में हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता, हम डालते हैं नो रिएक्शन। देखो यहां पे ना टीचर्स आपसे खेल खेलते हैं, ठीक है, हम टीचर्स आप बच्चों से खेल खेलते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को डाल करके इधर ब्लैंक्स डाल देते हैं, बच्चों के माइंड में तो एकदम 30 मार खां वाला केस है कि सर हमको तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मालूम है, करना कुछ नहीं, बस चेंज कर देना है। लेकिन वहां आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको जो है मालूम होगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ए या सी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। इफ यू नो दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव इन दैट केस यू कैन राइट आइदर द रिएक्शन, यू विल कंप्लीट द रिएक्शन, और यू मे नॉट कंप्लीट द रिएक्शन बाय राइटिंग नो रिएक्शन। तो ऐसे केसेस में रिएक्शन नहीं होते हैं, तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, किस चीज के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों का तो नाम मैच कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट मैच कर रहा है, बस यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में यहाँ देखो एक मेटल है, कोई एलिमेंट है, और यहाँ पे एक कंपाउंड है हमारा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारा दोनों कंपाउंड होता है, जैसे एक ए बी कंपाउंड है, एक डी सी कंपाउंड है, ठीक है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है ना, ये मान लो कि ए ज्यादा पावरफुल है, सी से कंबाइन कर जाएगा, बी ज्यादा डी ज्यादा पावरफुल है, बी से कंबाइन कर जाएगा, तो हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ओके, एक्सचेंज ऑफ मेटल्स एक्सचेंज हो जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में। उसमें ऐसे कोई केसेस नहीं है कि नो रिएक्शन वाला केस आता है हमारा, देयर विल बी डायरेक्टली इंटरचेंज ऑफ द आयंस ऑफ द रिएक्शन, ओके। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड के रिएक्शन होते हैं, दोनों नया कंपाउंड होता है। अब देखो जो बात आ रहा था बिगनिंग में, अभी तो समराइज कर रहा हूँ, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी जो बिगनिंग में बात आ रहा था सर रिएक्शन याद नहीं हो रहा, सर रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, तो क्या रिएक्टेंट देख करके प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट देख करके प्रोडक्ट नहीं बनेगा, समझ में आ रही बात है। तो रिएक्टेंट अगर मैं दे दूं एग्जाम में तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट दे दिया जाए तो उसके रिएक्टेंट में फिल इन द ब्लैंक से तो कर सकते हो, तो वही इसी वजह से तो आपको याद करने बोला जाता है रिएक्शन, जो कि आपके एग्जाम्पल्स में मैंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से फेमस है, ठीक है, लेकिन अकेला अकेला होगा तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। चीज क्या है, समरी के फॉर्म में जनरली समझोगे, देखो यहां दो बातें हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगर दोनों नाव पे पैर रखोगे तो डूबने की ज्यादातर चांसेस होती हैं। तो आपने करना क्या है, दोनों में से किसी एक नाव में पांव रखना है। अब किस नाव में पांव रखना है यह आप पर निर्भर करता है, आई एम जस्ट लिविंग दिस थिंग ऑन यू, डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है। मैं दोनों बातें आपको बता देता हूं, है क्या, अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऑयल रीक, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड में हमारे पास, मान लो यहां पे कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन है और इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, मान लो सपोज कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन नहीं रहेगा,
तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, समझ में आ रही बात है? और रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गेन होता है रिडक्शन के केस में। मतलब अगर इसी चीज को इस तरीके से देखें कि रिएक्शन के दौरान कार्बन में हाइड्रोजन नहीं था, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें हाइड्रोजन अटैच है, मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आयलरिक के फॉर्मूले से याद रख सकते हो। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन का क्या खेल है, तो ऑक्सीजन के खेल में हम फॉर्मूला ना बता करके डायरेक्टली, हम लोग कोई ट्रिक ना बता करके डायरेक्टली समझते हैं, इसका उल्टा हो जाता है। ऑक्सीडेशन में यहां पे लॉस हो रहा था, इसके ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा तो हमारा रिडक्शन कहलाएगा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला दोनों नाव में पांव नहीं रखना है, किसी एक में रखो, या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन, उससे दूसरा वाला इजिली समझ में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था सारे रिएक्शंस का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। अब एक एक करके हम लोग मूव करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। अब एग्जांपल में मैं जब रिएक्टेंट लिखूंगा तो प्रोडक्ट आप लोग बता दोगे, ठीक है, इतना आसान हो जाता है। इसलिए मैं बोला परेशान नहीं होना है, वरिड नहीं होना है, उतने सारे एग्जांपल्स देख करके कि सर इतने सारे लर्न करने होंगे, यू नीड टू ओनली बी करेक्टेड, स्टे लर्निंग, ठीक है। तो चलो एक एक करके अब हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं, इसके डेफिनेशन देखेंगे, कुछ रिएक्शंस देखेंगे, ओके, सो लेट अस सी, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, मैंने ओवरव्यू में बताया था आपको कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन बोल रहा है, कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, क्या बनाएगा, एक सब्सटेंस बनाएगा, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होगा टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो डेफिनेशंस और एग्जांपल्स नोट करते चले जाओगे, ठीक है, आपके पास काफी टाइम है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स भी ब्लैंक्स करके या फिर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, व्हेनेवर द डेफिनेशन इज आस्क्ड ड्यूरिंग द एग्जाम और एक्सप्लेनेशन इज आस्क्ड, ऑलवेज ट्राई टू गिव द एग्जांपल्स अलोंग विद इट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है हमारा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर रहे हैं, हमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी दिखाई दे रहा है, देखो गैसेस और गैसेस मिलकर के लिक्विड बना रहा है, तो ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के भी एग्जांपल हो गए, वाटर मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ दूसरा हमारा अमोनिया NH3, मैंने बताया था NH3 विल बी अमोनिया, याद कीजिए बच्चों मैंने आपको बताया था ये अमोनिया के बारे में भी, ठीक है, कि NH3 जब होगा तो वो हमारा अमोनिया हो जाता है, NH4 जब होगा तो वो हमारा अमोनियम हो जाता है। तो जब भी NH3 ये गैस है अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड गैस, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमें सॉलिड स्टेट मिलेगा, या लिक्विड स्टेट, या भी सॉलिड, चेंज इन सॉलिड स्टेट का हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्लियर होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। Now, let us move towards the decomposition reaction. उस पे बढ़ने से पहले इसे नोट कर लो, ठीक है, definitions are very important. Okay? So, just note them. तो बच्चों अब आगे बढ़ते हुए हम लोग सेकेंड की ओर मूव करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों हमारा डिकम्पोज करेगा, ओवरव्यू में मैंने बताया ही कि कैसे डिकम्पोज करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा। तो इसमें क्या है, दोज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कंपाउंड जो होगा स्प्लिट अप होगा, स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन होता है, टूटना होता है, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होंगे। जैसे आप देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हिट करने के बाद, ये ट्राइंगल हिट का साइन है, ठीक है, ध्यान रखोगे, हिट करने के बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गया, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। तब अब ध्यान में ये रखना है आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हिट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, टूट जाता है, किस चीज में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, इतना तो याद रखना होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लीड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, लीड नाइट्रेट, लीड हमारा बीबी हो गया, नाइट्रेट NO3, ठीक है, उसे जब वो भी सॉलिड स्टेट में, उससे जब हिट करते हैं तो वो भी ब्रेक डाउन होता है, किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो लीड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, लीड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। नाइट्रोजन रह गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम होता है, गैस होता है, वो भी ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और ब्राउन कलर का फ्यूम बन के निकल जाएगा, और ऑक्सीजन गैस भी डिसिपेट होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं।
मतलब यहाँ पे दो गैस रिलीज होगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम बनकर रिलीज होगा, एक ऑक्सीजन गैस जनरली रिलीज होंगे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रह जा रहा है, और लीड नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है लीड ऑक्साइड में, मेन इसका प्रोडक्ट ये हुआ, ये दोनों हो गया बाई प्रोडक्ट, याद रखोगे मेन प्रोडक्ट ये हो गया, ये हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे चेंज इन कलर भी दिख रहा है, कलरलेस था, येलो कलर का हमारा लीड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में पाया गया और ब्राउन कलर जो है फ्यूम बनकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसिपेट कर गया, वो रिलीज हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है रिएक्शंस बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्लियर है तो। इसमें भी 9 और 10 और वेरियस लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन, लेकिन साइड बुक को आप टर्न करते हो तो मिनिमम 9-10 एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं। एक बार ओवरव्यू करने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी कुछ दे दिए जाएंगे, आपको उसे ध्यान से याद रखने होंगे, ठीक है। रेस्ट हमारा रह गया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। रीजन है इसके पीछे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी ही कर सकते हैं, लेकिन रीजन इसके पीछे ये बच्चों कि जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लर्न होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, रिएक्टिविटी सीरीज जो कि मैं आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जो जिसका ट्रिक मैंने दिया था लास्ट ईयर, ठीक है, जिसके जरिए आप लर्न कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आसानी से लर्न कर लोगे, समझ में आ रही बात है, वो लर्न होगा तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में ट्रिक दे ही दिया है, लेकिन एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, फिलहाल आप नोट कर लोगे और आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे कमेंट में जरूर करोगे, क्योंकि अपना प्रॉब्लम्स बताओगे तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस ला करके आपको दे सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर सकते हैं। बने रहिए हमारे पास, साथ जय।